घर में हो शादी विवाह या कोई भी मांगलिक आयोजन, टेंशन किस बात का? रश्मि टेंट हाउस वाले जगदीश भाई का दशमेश परिसर अवस्थी चौराहा और रश्मि मांगलिक परिसर सेठी नगर है ना? जी हाँ, जहाँ आपको मिलेगी सारी व्यवस्थाएं, जैसे केटरिंग, साउंड, स्टेज, लाइट्स, डेकोरेशन और वो सब जो बनाएगी आपके आयोजन को और भी बेहतर। तो फिर देर किस बात की, शीघ्र ही बुक करें। संपर्क जितेश कपूर 9770434886, नितेश कपूर 9827537488। खंडवा जिले के जन शिक्षा केंद्र खारकला की प्राइमरी स्कूल मोहनिया खेड़ा का आदिम जाति कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त ने निरीक्षण किया। इस दौरान स्कूल परिसर व कमरों में गंदगी मिली। पहली से पांचवी तक के बच्चे एक ही कमरे में बैठे मिले। वही अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान प्रभारी प्रधान पाठक शराब के नशे में मिलने पर परीक्षण कराया और कार्य में लापरवाही बरतने पर उसे तत्काल निलंबित कर दिया। अजाक के सहायक आयुक्त विवेक पांडे सुबह 11:30 बजे प्राइमरी स्कूल मोहनिया खेड़ा पहुंचे। यहां उन्हें अव्यवस्थाएं मिली। स्कूल में पदस्थ शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित मिले। श्रीराम जाधव नशे की हालत में पाए गए। वह नशे में इतने धुत था कि अधिकारियों को भी नहीं पहचान पा रहे थे। परिसर में गंदगी और कबाड़ का अंबार था। इस पर सहायक आयुक्त ने उनसे जब जवाब मांगा तो वह सही ढंग से जवाब भी नहीं दे पा रहे थे, अपने आप को शिक्षा विभाग का कर्मचारी बताता रहा। गुस्साए सहायक आयुक्त शराबी शिक्षक को अपने वाहन में बैठाकर खालवा ले गए, जहां स्वास्थ्य केंद्र में बीएमओ शैलेंद्र कटारिया ने शिक्षक की खून की जांच की, जिसकी रिपोर्ट 2 दिन बाद आएगी। लेकिन मुंह से शराब की दुर्गंध आने पर माना जा रहा है कि वह शराब के नशे में था। शिक्षक को कार्य में लापरवाही करने का आधार बनाकर निलंबित कर दिया गया है। जो मोहनिया खेड़ा का एक टीचर था, वहाँ पे प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में कार्यरत थे, अधीक्षक नहीं था वो। जब हम लोगों ने उसका आकस्मिक रूप से निरीक्षण करने जब वहाँ पहुँचे, तो एक तो वहाँ वो अनुपस्थित था। जो उपस्थित शिक्षिकाएँ थी उन्होंने उसको फ़ोन करा कर सूचित किया कि निरीक्षण के लिए दल आया हुआ है। जिस समय वो सामने आया उस समय वो ऐसा हम लोग को प्रतीत हुआ कि मद्यपान किए हुआ है, और ना तो वो साला के बारे में ना अन्य किसी शासकीय कार्यवाही के बारे में कोई जानकारी दे पा रहा था और बोलने में भी असमर्थ हो रहा था। हम लोगों ने उसका छात्रावास का जब विद्यालय का जब रिकॉर्ड पंजीयन की जब जानकारी ली, तो छात्रवृत्ति में भी अनियमितताएँ पाई गई। उसके यहाँ कुछ खरीदी संबंधी दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं थे। विद्यालय के उपलब्ध कमरों में कबाड़ भर के रखा हुआ था। बच्चे अनियमित रूप से किसी भी कमरे में बैठे हुए थे। सब कुछ अव्यवस्थित लग रहा था। एक पंचनामा इत्यादि हम लोगों ने तैयार किया। BAC को भी मौके पर बुलाकर उससे कार्रवाई कराई गई। फिर चूंकि मद्यपान की स्थिति हम लोगों को प्रतीत हो रही थी, इसलिए हम लोगों ने स्वास्थ्य केंद्र खालवा ले गए थे। खालवा स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर साहब ने उसका ब्लड सैंपल लिया। उन्होंने एक पुलिस की कुछ एक औपचारिकताएँ पूरी कराई थी, और फिर चूंकि अनियमितताएँ ज़्यादा थी तो इसलिए निलंबन की कार्रवाई प्रस्तावित की गई है।